दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं 10,000 या इससे कम की प्राइस रेंज का स्मार्टफोन तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 सितंबर 2019 में। दोस्तों, आज की डेट के अंदर सभी कंपनीज के स्मार्टफोन अंडर 10,000 के अंदर काफी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च हो चुके हैं, चाहे बात करें रियलमी की, चाहे बात करें रेडमी की, या बात करें सैमसंग की, इसके अलावा इन्फिनिक्स, ऑनर या आसूस की। सभी कंपनीज के अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 के अंदर मिल जाते हैं। तो हम लेकर आए हैं 19 स्मार्टफोन कंपनीज में से निकालकर टॉप 10 स्मार्टफोन अंडर 10,000। तो दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले कर लीजिए आपके चैनल को सब्सक्राइब। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले लिस्ट के अंदर रियलमी के स्मार्टफोन्स की, जिनकी प्राइस रेंज 10,000 से कम की है और वो बेस्ट हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रियलमी U1 की। अगर बात करें इस फोन के स्पेसिफिकेशन की तो 6.3 इंच की फुल LED प्लस IP डिस्प्ले मिलती है, मीडियाटेक का हेलियो P70 ऑक्टोकोर प्रोसेसर मिलता है, 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप मिलता है, 3GB की रैम मिलती है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, 3500mAh की बैटरी मिलती है और प्राइस मिलता है 8,999 रुपये का। इस फोन के अंदर एक ही माइनस पॉइंट दिखता है, वो ये कि इस फोन का जो रियर कैमरा सेटअप है वो इतना अच्छा नहीं है। बात करें सेकंड स्मार्टफोन की जो इस प्राइस रेंज के अंदर आता है रियलमी का, उसका नाम है Realme 2 Pro। Realme 2 Pro के अंदर 6.3 इंच की फुल LED प्लस IP डिस्प्ले मिलती है, स्नैपड्रैगन का 660 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, 16+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप मिलता है, 4GB की रैम मिलती है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, 3500mAh की बैटरी मिलती है। प्राइस हाल ही में इसका मिल रहा है 8,999 रुपये का। ये फोन एक परफेक्ट स्मार्टफोन बन जाता है इस प्राइस रेंज में। एक और स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से आता है जो इस प्राइस रेंज में मिलता है, नाम है Realme 5। Realme 5 में आपको मिल जाती है 6.5 इंच की HD प्लस iPad डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन का 665 ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो कि 11 नैनोमीटर पर काम करता है, क्वाड कैमरा का सेटअप, 12+8+2+2 का रियर कैमरा सेटअप, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप, 3GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज, 5000mAh की बैटरी। प्राइस मिलता है 9,999 रुपये का। इस फोन में एक माइनस पॉइंट है कि इसके अंदर HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलती है। अब बात करें Redmi के फोन्स की तो Redmi के दो फोन्स इस प्राइस रेंज में काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi Y3 की। इसके अंदर आपको मिल जाता है 6.26 इंच की HD प्लस iPad डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन का 632 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 12+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप, 3GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज, 4000mAh की बैटरी और प्राइस मिलता है 8,999 रुपये का। इस फोन में भी एक ही माइनस पॉइंट है, वो ये कि यहाँ पे फुल HD ना होकर HD प्लस की डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात करें सेकंड स्मार्टफोन की, वो एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, उसका नाम है Redmi Note 7S। Redmi Note 7S के अंदर आपको मिल जाती है 6.3 इंच की फुल LED प्लस हाइब्रिड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन का 660 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 48+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप, 3GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज, 4000mAh की बैटरी, टाइप सी का स्लॉट भी मिलता है। प्राइस मिलता है 9,999 का। इस फोन में भी एक माइनस पॉइंट है, वो ये कि इसके अंदर आपको मिलता है हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट। नेक्स्ट स्मार्टफोन्स की बात करें तो वो आते हैं ऑनर्स की तरफ से। ऑनर की तरफ से भी दो स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ मिल जाते हैं। Honor 10 Lite। Honor 10 Lite के अंदर 6.21 इंच की फुल LED प्लस हाइब्रिड डिस्प्ले मिलती है, Kirin 710 का 12 नैनोमीटर वाला ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप मिलता है, 3GB की रैम मिलती है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, 3400mAh की बैटरी मिलती है और प्राइस मिलता है 8,999 रुपये का। इस फोन के अंदर आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, जो कि एक डिसअपॉइंट करने वाली बात है। अब बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की तो वो मिलता है Honor 8C। Honor 8C के अंदर 6.26 इंच की HD प्लस iPad डिस्प्ले मिलती है, स्नैपड्रैगन का 632 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप मिलता है, 4GB की रैम मिलती है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, 4000mAh की बैटरी मिलती है। प्राइस इस फोन का काफी अच्छा है, वो है 7,999 रुपीज का। इस फोन के अंदर फ्रंट कैमरा इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ओवरऑल इस फोन को हम बजट रेंज के सबसे अच्छा फोन मान सकते हैं और इस फोन की जो डिस्प्ले है वो भी बड़ी नोच के साथ आती है। नेक्स्ट स्मार्टफोन आते हैं सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की तरफ से जो स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है वो है Samsung Galaxy M20। Samsung Galaxy M20 के अंदर 6.3 इंच की फुल LED प्लस TFT डिस्प्ले मिलती है, Exynos का 7904 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, 13+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप मिलता है, 3GB की रैम मिलती है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, 5000mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का स्लॉट मिलता है और प्राइस मिलता है 9,990 रुपये का। इस फोन के अंदर
अगर TFT पैनल होना इसका एक माइनस पॉइंट है। इसके अलावा इसका प्रोसेसर भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, वो आते हैं इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स भी हाल ही में एक अच्छी कंपनी बन चुकी है क्योंकि इसके फोन्स काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। अगर बात करें इन्फिनिक्स S4 की तो 6.2 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले मिलती है, मीडियाटेक का हेलियो P22 ऑक्टोकोर प्रोसेसर मिलता है, 13+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप मिलता है, 4GB की रैम मिलती है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, 4000mAh की बैटरी मिलती है और प्राइस मिलता है 8,999 रुपए का। इस फोन के अंदर अगर प्रोसेसर थोड़ा सा बड़ा होता तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन बन जाता है इस प्राइस रेंज में। एक और स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का जो 4 सितंबर को आने वाला है उसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 8। ये फोन आएगा 4GB 64GB के साथ। इसका जो बेस वेरिएंट आने वाला है वो 8000 से नीचे की प्राइस रेंज में आएगा। इस फोन के जो लीक्स आए हैं उसके अंदर क्लियर दिख रहा है कि इसके अंदर आपको ड्यूल ड्रॉप डिजाइन की डिस्प्ले मिलेगी और 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। जहां तक अनुमान लगाए जा रहे हैं वो ये कि इसके अंदर आपको HD+ की डिस्प्ले मिलेगी। इसके अलावा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस इसका रहेगा 7,999 रुपए का। दोस्तों इन सब फोनों में से आपको कौन सा फोन ज्यादा बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई फोन इस लिस्ट में रह गया हो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।